नमस्कार दोस्तों, आइलैंड रेडियो के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं 18 साल के साईश सोलनकर, जो ज़्यादातर जंगलों में रहना पसंद करते हैं और उन जंगलों की जानकारी हासिल करना पसंद करते हैं। अमेरिका में एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करने वाले साईश की ये छोटी सी कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार। बचपन में मुझे अगर कुछ करना सबसे ज़्यादा पसंद था तो वो था कीचड़ में खेलना। बरसात में उस गीली मिट्टी की वो खुशबू और वो कीचड़ का स्पर्श मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती। ऐसे लगता है जैसे प्रकृति से मेरा नाता मानो तब 4-6 साल की उम्र में ही जुड़ गया था। आज भी जब कभी अवसर आता है मैं कीचड़ में खेलना पसंद करता हूँ। मैं खुद को बेहद खुशनसीब मानता हूँ कि बचपन का ये मेरा नाता आज मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। वो 10-15 साल पहले कीचड़ में खेलते वक्त मैं मेंढक, छिपकली और सांपों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और आज मैं अपना सारा ध्यान और समय इन जीवों के बारे में जानने में लगाता हूँ। अंग्रेजी में हर्पेटोलॉजी यानी रेप्टल्स एंड एम्फीबियंस की पढ़ाई इन्हीं सांप, छिपकली, मगरमच्छ और मेंढकों के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करता है। इन जीवों के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के परिस्थिति तंत्र यानी इकोसिस्टम के लिए बेहद ज़रूरी है और इन्हें बचाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले 4-5 सालों में अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं बेहतरीन हर्पेटोलॉजिस्ट के साथ काम करने और सीखने के लिए दुनिया भर घूमा हूँ। इस ज्ञान की खोज में मैं अपना काफ़ी समय भारत के वेस्टर्न घाट्स यानी सह्याद्री में बिता चुका हूँ। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के अमेज़न जंगल और हाल ही में अमेरिका की इंडियाना राज्य में भी एक्सपर्ट्स के साथ वक्त गुजार चुका हूँ। आज मैं आप सबको एक बहुत ही निजी कहानी बताऊंगा। 2018 की बात है, मैं दक्षिण कर्नाटका में अगुम्बे की जंगलों में एक वर्कशॉप अटेंड कर रहा था जहाँ हम किंग कोबरा के बारे में पढ़ रहे थे। वर्कशॉप काफ़ी अच्छा चल रहा था। हमें जंगल में कई सांप और अन्य जीव देखने मिले। यह एक बहुत अच्छा अनुभव था। लेकिन उस वर्कशॉप के तीसरे दिन हम एक एक्टिविटी करने निकले और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये एक्टिविटी मेरा दृष्टिकोण बदल देगा। हम उस दिन अगुम्बे गांव में वहाँ रहने वाले गांववासियों से बात करने निकले। तकरीबन 20 घरों के परिवारों से बात कर हम उस दिन रिसर्च स्टेशन वापस लौटे। उस दिन मुझे एक बात का एहसास हुआ, हम लोग जो शहरों में रहते हैं जंगल या जंगल के जीव और जंतुओं से हमारा ज़्यादा लेना देना नहीं है, मगर जो ये लोग हैं जो इन जंगलों में और उनके आसपास रहते हैं उनकी ज़िंदगी इन जंगलों से जुड़ी हुई है। जब जंगल का स्वास्थ्य अच्छा होता है इन लोगों की तरक्की होती है, जब जंगल को दर्द होता है आंसू इनके आँखों में आते हैं। जब तक सब लोग पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक हम इस स्थिति को नहीं सुधार सकते। आज हमारी पीढ़ी काफ़ी पढ़ी लिखी है, दुनिया में पर्यावरण की स्थिति समझती है। आज पर्यावरण की सुरक्षा, कॉन्जर्वेशन हर घर की बात है और होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कॉन्जर्वेशन तब तक सफल नहीं होगा जब तक हम इन लोगों को, लोकल पॉपुलेशंस को शामिल नहीं करते, जब तक हम उन्हें इस लड़ाई की मुख्य शक्ति नहीं बनाते। ये जंगलों को, वन्य जगहों को पूजते हैं और जितने अच्छे से ये लोग इन जगहों को समझते हैं उतना किसी और के लिए मुश्किल ही होगा। वी नीड दीज पीपल हु लिव इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट टू स्पीयर हेड एंड लीड आवर कॉन्जर्वेशन कैंपेन्स। आज मेरे सबको यही संदेश है कि ज्ञान प्राप्त करिए, पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, एक्सपर्ट से बात कीजिए। आज के ज़माने में इंटरनेट से लैस हमारे समाज के हाथ में हर विषय पर जानकारी हासिल है। अंग्रेजी में कहे तो We are living in the age of information। इसका इस्तेमाल कीजिए, जानिए हमारे पर्यावरण की आज क्या समस्याएं हैं, जानकारी हासिल करिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए। हम सबको शामिल होना है और सबको शामिल करना है। इस पृथ्वी और इसके जीव जंतु और इंसान के प्रति हमारा ये कर्तव्य है। आशा करता हूँ कि मेरा संदेश सुनकर आप इस बारे में विचार करेंगे। मैं तो फिलहाल सिर्फ एक छात्र हूँ, मेरी यही कोशिश है कि जीवन में जानकारी पाते रहूं और लोगों तक कॉन्जर्वेशन का ये संदेश पहुंचाते रहूं। कई लोग जिन्हें मैं अपना आदर्श मानता हूं अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं इस कार्य में,
और हमें एकजुट होकर इस कार्य को अंजाम देना चाहिए। जय हिंद। तो दोस्तों, ये थे बेलगाम के साईश सोलनकर। इस उम्र में कर्नाटका के जंगलों से लेकर अमेजॉन के घने जंगलों में रहकर वहां की जानकारी हासिल करना मानो कि ये हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन ही है। आप भी अपनी कहानियां हमें मेल कर सकते हो। हमारा मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ऐसे ही खास विषय के साथ। धन्यवाद।